की बात करते हैं। खबर राजस्थान के झुंझुनू से। कांग्रेस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया गया। राजस्थान कांग्रेस के नेता हैं श्रवण कुमार, जिन्होंने विवादित टिप्पणी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया। वो कह रहे हैं कि रात में पीकर भाषण दे सकते हैं प्रधानमंत्री। आगे उन्होंने कहा कि अगर सोना चांदी को लोहा बता दिया तो आप क्या करेंगे। जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद थे श्रवण कुमार और उन्होंने इस दौरान ये तमाम बातें कही। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। अब आप मोदी की बात कर रहे हो, मोदी जी तो रात को 8:11:20 में कह दिया हिंदुस्तान का 2000 का नोट और 500 नोट बंद। अभी गलती से कभी इसने कह दिया कि सोना चांदी को लोहा समझ लेना तो क्या करोगे बता दो। अरे गलती से रात में 12 बजे और दारू पी के कह भी दे तो क्या बना को तो यो ध्यान रखना है रात में 11:30-12 बजे के बाद में कोई भाषण देना। वो भाषण है वो है कि दुनिया रोती रह जाए। देखिए आने वाले समय में राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद 2024 में लोकसभा इलेक्शन है और इस तरह के नेता बयानबाजियों के साथ थोड़ी लाइमलाइट बटोरने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रविकांत राय जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रविकांत, इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के कई नेता हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दे चुके हैं, आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं और इसमें अब श्रवण कुमार का भी नाम जुड़ गया है। लेकिन इस तरह के बयानों से क्या समझा जाए, क्यों वक्त वक्त पर ऐसे बयान जो कि आपत्तिजनक होते हैं दिए जाते हैं नेताओं की ओर? देखिए अनुराग, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दिखाता है कि भारतीय राजनीति में जो स्तर है वो कितना गिरता हुआ जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री को लेकर इस तरीके की कोई टिप्पणी कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता करता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी पार्टी के बड़े नेता उसके इस बयान से बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि ओपोनेंट को टारगेट करने के लिए इस तरीके का निम्न स्तर का बयान दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इस तरीके का ये पहला बयान नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने बहुत तल्ख और निम्न स्तर की टिप्पणी की है। ये बयान भी उसी संदर्भ में है और इन पर अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद जो है एक संवैधानिक पद होता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं एक इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करता है। अगर उसके खिलाफ कोई टिप्पणी करता है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो, और उसके खिलाफ एक्शन ना लिया जाए तो आप ये मानकर चलिए कि जो जिस पार्टी का वो नेता है उसका आला कमान उसके बयान से मौन सहमति अपनी जता रहा है। यही वजह है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती हैं, बिल्कुल रविकांत, और क्योंकि पहले के मामलों में कार्रवाइयां नहीं हुई तो ऐसा लगता है कि बढ़ावा मिलता चला गया और फिर लाइमलाइट में आने के लिए नेता इस तरह की बातें कहते हैं ताकि आला कमान की नजर बनी रहे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रविकांत, और तमाम जानकारी देने के लिए।